कहते हैं कि किसी की हाइबत दुआ नहीं लेना चाहिए। अगर किसी की हाइबत दुआ लगती है तो हमारा जीवन तहस नहस हो जाता है एवं सभी बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं। घर में आए दिनों की पति पत्नी में विवाद होने लगते हैं। ऐसे ही कुछ उपाय शास्त्रों में बताए गए हैं जिनसे हाय और बददुआ को हटा सकते हैं। जानिए पंडित पंकज पाठक से इस बारे में विस्तार से। हमें जीवन में सभी के साथ प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, हमेशा दूसरों की सहायता करना चाहिए, दूसरों को प्रसन्न रखना चाहिए और कभी किसी के बनते हुए कार्यों को बिगाड़ना नहीं चाहिए। यदि हम इस प्रकार से विपरीत कार्य करते हैं तो निश्चित ही यदि कोई गरीब व्यक्ति है, कोई परेशान व्यक्ति है, उसके कार्यों को हम बिगाड़ते हैं, उसको हम कष्ट देते हैं, दुख देते हैं, तो निश्चित ही उसकी हाय हमको लगेगी, उसकी बददुआ हमको लगेगी। और किसी गरीब या परेशान व्यक्ति की हाय बददुआ लेने पर निश्चित ही हमारे कार्य बिगड़ जाएंगे, हमारे बनते कार्य बिगड़ सकते हैं, भाग्य में अपरोध आ सकता है, वैवाहिक जीवन में बाधा आ सकती है, विवाह होने में बाधा हो सकती है, संतान सुख या संतान में बाधा हो सकती है, कर्ज संकट इत्यादि जो है किसी दूसरे की हाय से, नजर से, बददुआ से हमारे ऊपर प्रभावित कर सकता है। इसलिए सदैव सत्य प्रेम करुणा का व्यक्ति को व्यवहार करना चाहिए, अहिंसा के द्वारा जीवन यापन करना चाहिए, धर्माचरण करना चाहिए, सदाचरण करना चाहिए, सेवा सहायता द्वारा दूसरों का आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। जब हम दूसरों की सेवा करेंगे, सहायता करेंगे, उनके साथ अच्छा बोलेंगे, धर्माचरण करेंगे तो हमको आशीर्वाद प्राप्त होगा और वह आशीर्वाद हमारे लिए मंगलकारी हो जाता है, उन्नति कारक हो जाता है। अब यदि किसी कारण से किसी प्रकार की हाय, नजर, बद्दुआ इत्यादि व्यक्ति को लग चुकी है या इससे हम कैसे बचे, तो प्रत्येक 24 घंटे का जो एक अहोरात्र होता है, जो एक पूरा दिन होता है, तो व्यक्ति को कम से कम एक घड़ी होती है 24 मिनट के बराबर, तो अपने इष्ट देवता के सामने, भगवान भोलेनाथ के सामने बैठ करके, भगवती दुर्गा के सामने बैठ करके 24 मिनट तक या तो अपने इष्ट देव के मंत्र का जप करें, या गुरु मंत्र का जाप करें, या ओम नमः शिवाय का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, या अपने इष्ट देवता के मंत्र का व्यक्ति को जप करना चाहिए, गुरु मंत्र का जप करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे ऊपर जो भी आपत्ति, विपत्ति, संकट है, नजर है, बद्दुआ, हाय जो है, इनका प्रभाव नहीं होता है। और अमावस्या के दिन काले वस्त्र में काले तेल, काली उड़द, उस तामा रख करके, गुड़ इत्यादि रख करके, उसको अपने घर के चारों तरफ घुमा करके, यदि घर के चारों तरफ घुमाने की व्यवस्था नहीं है तो घर के अंदर सभी जगह घुमा करके और किसी नदी के बहते हुए जल में प्रवाहित करना चाहिए। यदि आपके क्षेत्र में नदी नहीं हो तो यह जो दान सामग्री है यह किसी शनि जो जोशी रहते हैं उनको देना चाहिए।